नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आज की सबसे बड़ी खबर जिसको लेकर पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो माफिया ब्रदर्स के अंत से जुड़ी हुई खबर है। अतीक और अशरफ कल रात 10:30 बजे प्रयागराज में गोलियों से उनको भून डाला गया, वो भी उस वक्त जब वो पुलिस की सुरक्षा के घेरे में थे और पुलिस उन्हें प्रयागराज में मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी। और इसी से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट जानिए। अतीक और अशरफ की हत्या की FIR प्रयागराज के शाहगंज थाने में दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, नया अपडेट, प्रयागराज के शाहगंज थाने में FIR दर्ज की गई है। रात को मर्डर होता है और अब उसकी FIR भी दर्ज कर ली गई है। अतीक अशरफ मर्डर केस में ये FIR दर्ज की गई है, प्रयागराज के शाहगंज थाने में FIR दर्ज की गई है। इसी खबर पर और अपडेट के लिए हमारे साथ मोहम्मद मोइन मौजूद है, जरा जानते हैं उनसे क्या जानकारी मिल रही है। देखिए, रात को 10:35 के आसपास जो प्रयागराज का पॉलविन हॉस्पिटल है वहां पर अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की जाती है। तीन हमलावर आते हैं, तीन हमलावर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं और उसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि उसका औपचारिक ऐलान डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद किया जाता है, लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जो प्रयागराज का शाहगंज थाना है वहां पर FIR दर्ज कर ली गई है। परिवार की तरफ से किसी ने शिकायत नहीं की थी, लिहाजा पुलिस ने अपनी तरफ से इस केस में FIR दर्ज की है। और FIR में इस बात का जिक्र किया गया है कि अतीक अहमद और अशरफ को दोनों को मेडिकल परीक्षण के लिए गोल्डन हॉस्पिटल लाया गया था और इस वक्त वो लोग दाखिल हो रहे थे। तीन तावर आए और उन्होंने तावरिंग की और उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स FIR में नहीं दी है। ये जरूर कहा गया है कि उनको जो पुलिस की टीम थी उन्होंने दरपोज किया है, उनसे पूछताछ किया है। तो ये जो हत्या का मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। अब जैसे जैसे इस पूरे मामले में विवेचना आगे बढ़ेगी, जो हमलावरों के नाम है वो सामने आते रहेंगे। तो हमलावरों का नेम FIR दर्ज नहीं गई है, बल्कि ये कहा गया है कि तीन लोग आए थे, हमलावर थे, उन्हें पकड़ लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो प्रयागराज के शाहगंज थाने में FIR दर्ज कर लिया है, पूरे ये जो शूट आउट हुआ है इस मामले में। आप कह रहे हैं कि नामजद FIR दर्ज नहीं की गई है, तीन हमलावरों का जिक्र किया गया, इसके पीछे क्या वजह यह मानी जाए कि अभी जो जानकारी ये शूटर्स खुद अपने बारे में बता रहे हैं, जो नाम बता रहे हैं, जहां के रहने वाला बता रहे हैं, उसको पहले पुलिस वेरीफाई करना चाहती है और उसके बाद इनके नाम FIR में जोड़े जाएंगे, मोहम्मद मोइन? ये बिल्कुल निश्चित तौर पर यही वजह है, क्योंकि वो जो तीन शूटर्स पकड़े गए थे, मौके से हिरासत में लिए गए थे, उन्होंने अपने कुछ नाम बताए थे, पता बताया था कि वो कहां पर, दो लोगों ने बताया कि हम बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, एक ने दूसरा पता बताया जो है वो। तो पुलिस जो है पहले वेरीफाई कर लेना चाहती है, संतुष्ट हो जाना चाहती है। और जो तीनों जिले के SP हैं उनसे प्रयागराज पुलिस ने रिक्वेस्ट किया है कि ये नाम है, ये पता है, इसको वेरीफाई कर लीजिए और साथ ही साथ उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड और क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो भी मांगी गई है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये लोग कौन थे, पेशेवर अपराधी थे या फिर किसी के कहने पर पूरी हत्या की वारदात को अंजाम देने आए थे। तो पहले पुलिस की जो टीम है लगातार लैंड बॉर्डर पर काम कर रही है, हालांकि एक टीम इन आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। जो तीनों जिलों के SP हैं उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, ताकि ये जो दावे की तरफ से किए गए हैं उनको चेक किया जा सके, इनके नाम और पते के बारे में, इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में, और उसके बाद नतीजे पर पहुंचा जा। आप हमारे साथ बने रहे, क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP News आपको रखे आगे।